अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। उसके लिए पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। 1 किलो इसमें मैं बॉइल्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ, 1 प्याली अनार, 1 प्याली बनाना यानी कि केले बारीक कट किए हुए, 1 प्याली सेब बारीक कट की हुई, 1 प्याली डिफरेंट फ्रूट्स, 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 1/2 मग मिल्क कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए, 10 टेबल स्पून शुगर। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें और शुगर ऐड करें। फर्स्टली मैं कस्टर्ड पाउडर को इस दूध में ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मैं ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। पतीली में मैं मिल्क ऐड करूँगी, फ्लेम मैंने इसके नीचे ऑन कर दी है। दूध बॉयल होना शुरू हो गया है, अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। कस्टर्ड ऐड करने के साथ ही हमने इसे लगातार हिलाते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। देखिए कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो गया है, फ्लेम मैंने इसके नीचे मीडियम रखी हुई है। साथ ही मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूंगी और लगातार हम इसे मिक्स करते रहेंगे। लगातार इसे मैं मिक्स करती रही हूँ, कस्टर्ड की रेसिपी बनके तैयार है ये देखें। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर लूँगी और इसे मैं अच्छी तरह ठंडा कर लूँगी। पहले कस्टर्ड को मैंने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है और फल भी तकरीबन ठंडे हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अनार, सेब, केले, डिफरेंट फ्रूट्स। इसे ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप ये सर्व करने लगें तो उसे 15 मिनट पहले आप इन फ्रूट्स को कस्टर्ड में ऐड कर दें। ज़्यादा देर पहले ऐड करने से ये कस्टर्ड में फ्रूट अलग कस्टर्ड अलग हो जाता है और अजीब सा इसमें पानी सा हो जाता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि 15 मिनट पहले इसमें फ्रूट्स ऐड करने हैं। टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी बनके तैयार है, आप इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और फिर मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।